सो आज के ब्लॉग में मैं बात करूंगी पंचतारा की प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि कसोल की सबसे बेस्ट प्रॉपर्टीज़ में काउंट होती है और जिसका फूड सबसे ज़्यादा अमेजिंग है। और मुझे यहाँ रुकना बहुत पसंद है, जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ द फूड बट बिकॉज ऑफ द वाइब ऑफ द प्लेस। सो गाइस, ये वाला रूम है आज, मतलब आज बिल्कुल सिंपल सोवर, ये स्टैंडर्ड रूम है ना, आज मैं स्टैंड फिर कौन सा वाला है अपर, बोलो बोलो, भैया कह रहे हैं मैं रूम्स दिखाता नहीं हूँ ना, इसलिए मैं भूल रहा हूँ। सो विद अ बालकनी व्यू, अपर स्टैंडर्ड है ना, ये स्टैंडर्ड से ऊपर वाला प्रीमियम प्रीमियम है। सो गाइस, दिस इज द रूम, इस बार मैं जो रुक रही हूँ एंड इस बार स्टे बहुत सिंपल वाले रूम में, बट इट्स ओके, इट्स ऑल्सो गोना बी ग्रेट एक्सपीरियंस। यहाँ से अगर मैं नीचे देखूँ तो सामने व्यू ये है, और पंचतारा के सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगती है कि इसके हर फ्लोर पर मिरर है। ये लड़कियों के लिए लगवाए हुए हैं ना आपने स्पेशली, ये लड़कियों के लिए लगे हुए हैं ना, वैसे बॉय भी यूज कर सकते हैं। आप लोगों को पता ही है मैं पंचतारा कई बार रुक चुकी हूँ, बट आई जस्ट लव दिस प्लेस, यू नो यू वॉन्ट बिलीव दिस, आई जस्ट वॉन्ट दिस प्लेस कि यार ऐसा कोई घर हो मेरा कहीं पे। अगर आप पंचतारा आ चुके हो, आई नो आप कसोल तो बहुत ही आ चुके हो, मोस्ट ऑफ द पब्लिक जो मुझे देखती है वो कसोल आ चुकी है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ। मैं आपको लास्ट व्लॉग में यहाँ पे रूम्स दिखा चुकी हूँ, चीज़ें दिखा चुकी हूँ, रेट शेयर कर चुकी हूँ, मैं आपको वो व्लॉग शेयर कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन में। बट आज मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ, आज मैं आपको पंचतारा का फूड किचन दिखाने वाली हूँ, बेसिकली यहाँ का फूड कैसा है, क्योंकि ये जो अभी जो रूम है ये थोड़ा छोटा है जिसमें मैंने स्टे करा है, बट ऊपर वाला रूम ऑब्वियस है, बट ये रूम भी कम नहीं है यार, कोई छोटा नहीं है, इट्स मोर देन अ स्टैंडर्ड रूम, मतलब अच्छा रूम है, यू नो। चलो आई शो यू द रूम, आई जस्ट शो यू द रूम, तब तक दिस इज द लाइक इफ यू वॉन्ट टू कीप योर सामान हेयर वो, एंड अभी मैंने बैग यहाँ रखा है विच इज़ एक्चुअली नॉट ऑफिशियली गुड, दिस इज़ माई ऐप, आई मीन आई पैड, दैट्स माई डायरी अफर्मेशन डायरी, और ये मेरा टैरोट है, एंड दैट्स मैंने थोड़ा सा सामान ऐसे ही फैलाया हुआ है, एंड दिस इज समथिंग यू नो मोर देन अ ब्यूटीफुल रूम ऑब्वियसली, एंड हियर वी गो बैक टू द बालकनी एंड विद द जूस ऑब्वियसली, एंड आई गोना शो यू द किचन एंड समथिंग गुड अबाउट दिस प्लेस मोर। और प्लीज़ अगर आप कसोल में हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ, और एक चीज़ और, अगर आप मुझे कसोल में कुछ चाहते हो कवर करना कमेंट करके बताओ, देर इज़ अ लॉट टू कवर। कल मैं मलाना गई थी, आई होप यू लाइक द व्लॉग, जो कि 22 किलोमीटर अवे है कसोल से, एंड बस 22 से 23 किलोमीटर अराउंड। सो आज मैं तुमसे और बहुत सारी चीज़ शेयर करने वाली हूँ यहाँ के बारे में। फाइनली आई एम रेडी टू रोल, और इस बार मैं आप लोगों को किचन दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पे किचन कैसा है। बॉडी कुछ ज़्यादा ही बन गई है मुझे ऐसा लगता है, मैं एक्सरसाइज तो कर नहीं रही हूँ आजकल, सिर्फ ट्रैक चल रहे हैं। गो डाउनस्टेयर्स गाइस, अगर आप यहाँ पे पूल भी खेलना चाहते हो ना, उसके भी चार्जेस हैं 30 मिनट्स के 300 और 1 आवर के 500, तो यहाँ पे पूल टेबल भी अवेलेबल है अगर आप यहाँ स्टे कर रहे हो तो। नीचे चलते हैं, आज की टाइम इंट्रोड्यूस करा रही है किचन में सबको। ओके, सो अभी आप ये क्या बना रहे हो, एंड आई गेस आप वेट के हिसाब से बना रहे हो ना, इंटरेस्टिंग यार। से बन के लिए, बन के लिए, ये सैंडविच ब्रेड के लिए, सैंडविच ब्रेड के लिए। ओके, हमारे स्पेशल ब्रेड्स हैं, ये बेक होने के लिए रेडी हो रहे हैं, इनको पहले शेप दे रहे हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे शेप दी जा रही है स्पेशल ब्रेड्स को, क्योंकि ब्रेड्स इनकी अपनी बनती है, ये मुझे सबसे अच्छी लगती है चीज, एंड हाँ आई नो आई डू अंडरस्टैंड ये शेफ एरिया। सो गाइस आप देख सकते हो कि मतलब आई लव यहाँ का फूड एंड द किचन इज लाइक सो मच अमेजिंग, मैं जब भी यहाँ आती हूँ आई ऑलवेज ट्राई समथिंग न्यू, एंड अरे ये इंडियन शेफ है, हेलो। ओके, सो ये क्या बन रहा है, हाँ मटन ब्रेड, वो है क्वांटी के शेफ, मटन पेटी, अच्छा किन के शेफ है, कॉन्टिनेंटल फूड के। ओके, तो तुम्हारे यहाँ पे की तो सारे शेफ्स लाइक अलग अलग है, अलग अलग है, हर हर एक सेक्शन के अलग अलग शेफ है। सो कसोल में तुम्हें बेस्ट क्या लगा पहले तो ये बताओ।
हमको तो अभी कुछ ही घंटे हुए आए हुए, तो हम लोग सिर्फ अभी मार्केट ही एक्सप्लोर करी, मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। और वैसे पंचतारा कैसा लगा? अच्छा, कल रात को हम वहाँ पे आए थे, कैंपिंग करी थी, तो वैसे पंचतारा तो नहीं थी। आप ये ओनर हो? नहीं, मैं ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और हम ब्लॉगर ही कह लो, और उसके साथ साथ मैं प्रॉपर्टीज़ कवर करती हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। सो दिस इज समथिंग लाइक पंचतारा इज़ लाइक यहाँ की सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी। हाउ वाज़ द फूड? नाइस। अगर यहाँ से मैं आपको नज़ारा दिखाऊँ, दिस इज नेचर व्यू गार्डन। तो अगर आप पंचतारा पर रुके तो नेचर व्यू गार्डन आपको बिल्कुल सामने दिखेगा, वहाँ पे पार्वती वैली, मतलब पार्वती नदी जा रही है। एंड उसके अलावा ना राइट साइड पे चलाल का ट्रैक है, बिल्कुल राइट साइड पे, मतलब ट्रेल है एक्चुअली में। और लेफ्ट साइड अगर मैं इसको घुमाऊँ, मतलब पंचतारा का फ्रंट साइड पर घुमाऊँ तो मार्केट है, और बैक साइड पर चलाल की ट्रेल निकल रही है। एंड जो नेचर गार्डन है उसकी टिकट 30 रुपीज़ की है पर पर्सन, तो नेचर गार्डन आप इंजॉय करने जा सकते हो। एंड होपफुली आज मैं नेचर गार्डन जाऊँ या फिर ऊपर की तरफ जाऊँ तो आपको दिखाऊँगी। एंड दिस इज़ देयर लाइव बैंड वाली जगह जहाँ पे इनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, बट इनके सबसे बेस्ट चीज़ इनके सारे स्पीकर्स आ इनके, मतलब यू नो इनके रूम, मतलब पूरा उसमें स्पीकर सराउंडेड है। वाइब्स बहुत प्यारी है ना इस प्लेस की। एंड इनका जो बाहर का भी सिटिंग एरिया है, दैट इज़ दैट प्लेस जहाँ पे आप मेरी बहुत सारी पिक्चर्स देख सकते हो इंस्टाग्राम पे। खैर, उनका बाहर का भी सिटिंग एरिया है। और मेन्यू पे मैं आपसे आज शेयर करती हूँ इस जगह का। ऑब्वियसली मैंने आज तक आप लोगों से मेन्यू शेयर नहीं करा, मैं कुछ नहीं बोलने आ रहा यार। तो गाइस, फिर ना ब्रेड को कुछ इस तरह से रोल करके ना इसमें रखा जाता है और फिर बेक करने के लिए इसमें डाल दी जाती है सामने। पहले किसके लिए? प्रूविंग के लिए। प्रूविंग क्या होता है? अच्छा, फैलने के लिए। अच्छा, ओके ओके। सो ये खुल गया हमारी ब्रेड, हमारा अब मैजिक होने वाला है। एंड शी इज़ गोना फिट एन अमेजिंग सैंडविच फॉर श्योर। क्यों डाल रहे हो? थोड़ा गर्म क्रिस्पी हो जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा और क्रिस्पी हो जाएगा। सो फाइनली सैंडविच स्टार्ट हो गया है। एंड गाइस, रेसिपी चुराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग देख सकते हो क्योंकि आपको आधी रेसिपी देखने को मिलेगी। मतलब पता है द बेस्ट थिंग यहाँ पे कि यहाँ पे सारी जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, तुम्हें मतलब यू नो ब्रेड इन हाउस होती है ना। मैं अच्छा, आपकी गर्लफ्रेंड का आप क्या मैसेज देना चाहते हो आपकी गर्लफ्रेंड को? अरे अरे अरे, लड़के का पहले दिल टूटा हुआ, तुम उसको छेड़ लो। मेरे सैंडविच का शूट के चक्कर में इधर बन चुका है। बड़े सड़े को देखो, ये सैंडविच कितने ढंग से खाता है। सो प्रॉमिस फॉर द मेन्यू, तो ये है इसका मेन्यू। सो द ब्रेकफास्ट इफ यू आर लुकिंग फॉर, तो यू नो इट्स अ वेरी रीजनेबल काइंड ऑफ रेट। एंड ब्रेकफास्ट में बहुत कुछ इंक्लूड होता है, इफ यू रीड द मेन्यू रियली केयरफुली ना, यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ द ऑप्शंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक पास्ता। तो माई फेवरेट, तो मैं ऑलरेडी लाइक पास्ता खाती रहती हूँ आके, मुझे पता है इसलिए मेरा पेट निकला हुआ है, तुम लोग यही बोलोगे। सो एक्चुअली मैं दीज आर द क्रूजीन स्ट्रेट एंड हेयर यू गो विद द एशियन क्रूजीन, दे हैव एशियन क्रूजेस एंड कॉन्टिनेंटल फूड एज वेल। कॉकटेल में पीती नहीं हूँ सिवाय यू नो क्या कहते हैं ब्रीजर के, तो मैं इसका मेन्यू बिल्कुल नहीं शेयर करने वाली, मैं बंद कर रही हूँ फिलहाल। इसका मेन्यू है अवेलेबल, अगर आप देखना चाहें तो आप गूगल पे देख सकते हो, गूगल मैप्स पे इसका मेन्यू अवेलेबल है। अच्छा, मेरे भाई ने पोस्ट किया हुआ है, तो मैं जा रही हूँ सामने वाले पार्क में। तो गाइस, यहाँ की एंट्री 60 रुपये की है, बट अंकल टिकट ही नहीं काट के दी। अंकल ने हम लोगों को बोला ये लो और जाओ, पैसे रखे और जाओ। मतलब हद नहीं हो गई है, मतलब गवर्नमेंट को क्या ही बोलूँ मैं, किसको क्या बोलूँ, जेब के पैसे। एग्जैक्टली, जेब के पैसे, ही इज़ राइट। मतलब मैंने कहा अंकल टिकट, कह रहे नहीं जाओ फटाफट जाओ, 6 बजे पार्क बंद हो जाएगा। 6 बजे लोग लाइक ओके, 6 बजे तक ये जगह कवर कर लेते हैं। फिलहाल मैं वहाँ से शूट कर रही थी बैठ के, एग्जैक्टली वो वाले पॉइंट से। यार कितना स्मार्ट लग रहा है ना। यस,
तो ये 6 बजे से खुला हुआ, तब तक रोमांटिक बातें चल रही है ऊपर की तरफ कहीं पे, और हम बैठे थे एग्जैक्टली उस पॉइंट पे। तो फिर रोमांटिक वालों को बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे, बस तुम डकारे मार लो खा के, ये सामने जगह बैठे थे हम। मैंने तो सिर्फ आधे सैंडविच खिलाया तुम्हें, आ जाओ उस पर झूलना मेरे को। सो फाइनली बंदा अच्छा था सर, गाइस टिकट मिल चुकी है हमारे को हाथ में, तो वापस लेती हूँ अपने सारे वर्ड्स थैंक्स टिकट देने के लिए। And I'm feeling This is something I really love यहाँ पे यार। और last time मेरी ना इसकी video Instagram पे इतनी viral गई थी ना, this is so yum guys। और क्या happy birthday to you। Well thank you so much for watching and see you tomorrow with the next vlog with new place and new property this time।